अगर आपको इमरजेंसी में पर्सनल लोन चाहिए तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कोटक महिंद्रा बैंक से कैसे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको इस लिंक पर रहना होगा, इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इसके बाद आप यहां पर देखिए एक स्क्रीन मिलेगा कोटक महिंद्रा बैंक का, यहां पर पर्सनल लोन साफ साफ लिखा है। आप यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। आप यहां पर अप टू 25 लाख लोन ले सकते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10.99% पर एनम, यानी कि आपको एक भी परसेंट नहीं देना होगा, एक भी परसेंट आपको यहां पर चार्ज नहीं लगेगा। पर्सनल लोन में आप 50,000 से ज़्यादा ले सकते हैं और 25 लाख से कम ले सकते हैं। ये लोन रीपेमेंट करने का टाइम है वो फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी सारे और भी फीचर्स है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे आपको मिलेगा अप्लाई नाउ का बटन, यानी कि लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक और पेज आएगा, इसको हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आर यू एन एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, इससे पहले कोटक महिंद्रा में आपका अकाउंट है या फिर कोटक महिंद्रा में कुछ भी लोन आपने पास करवाया हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो। इसके बाद आपके सामने एक और पेज आएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर बोल रहा है आपका फर्स्ट नेम जो आपका पैन कार्ड में है वही सेम आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर डालना है जो कि पैन कार्ड में मौजूद है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे जो कि आपके आधार कार्ड में मौजूद है। इसके बाद करेंट सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पर्सनल ईमेल आईडी लिखेंगे। नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड पर्सन है क्या, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपका जॉब लगा हुआ है जो कि आपका सैलरी स्लिप आता है, आपके पास प्रूफ है तो आप यहाँ पर सैलरीड डालें। नहीं तो अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड डालेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। नेट मंथली सैलरी, आप यहाँ पर कितना सैलरी रिसीव करते हैं हर महीने यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। इसके बाद नीचे आप टिक करेंगे यानी कि कंसेंट देंगे, इसके बाद वेरीफाई करेंगे। इसके बाद अभी आपको कितना लोन चाहिए यहाँ पर एंटर करेंगे, अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए टाइप अप लोन है, फ्रेश लोन और बैलेंस ट्रांसफ़र, तो आप यहाँ पर फ्रेश लोन ही रहने दें। इसके बाद कंसेंट देंगे और प्रोसीड। इसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे टाइप अप रेसिडेंस में क्लिक करके आप जहाँ पर रहते हैं, आपका खुद का घर है, आप अकेले रहते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, काफ़ी सारा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे अपना जेंडर को सेलेक्ट करेंगे और अपना करेंट एड्रेस यहाँ पर कम्प्लीटली लिखेंगे, साथ ही सिटी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट भी आ जाएगा। अपना पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर माई परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करेंट एड्रेस, अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे ऐसे। इसके बाद नीचे आके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आ जाएगा, नीचे आपको एम्प्लॉयर नेम देना होगा। एम्प्लॉयर नेम यानी कि आप कहाँ पर काम करते हैं उस ऑफिस का नाम डालेंगे, उस कंपनी का नाम डालेंगे, उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी डालेंगे, इसके बाद प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा नाम आ चुका है, ए पर्सनल लोन 2,30,840 इज़ रेडी फॉर यू, मतलब कि इतना अमाउंट का लोन हम ले सकते हैं। अगर आपको इसको कम करना है तो नीचे आपको मिल जाएगा एक लाइन का, देखिए यहाँ पर डॉट मिलेगा, उसको आप यहाँ पर ऐसे अगर आप लेफ्ट वाले सेक्शन में ऐसे लाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो जैसे कि मैं 50,000 कर ही लेता हूँ। टेनर, आप कितना साल के लेना चाहते हैं, आपको नीचे ईएमआई आ जाएगा, जैसे कि मुझे एक साल के लिए ही चाहिए, तो जितना भी साल आपको करना है कितना साल तक आप दे सकते हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वेरीफाई। इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑथराइज करना होगा और नीचे आएंगे। अगर आप अपने नेट बैंकिंग से भी करना चाहते हैं, अपना बैंक स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म। इसके बाद अपलोड योर बैंक ई स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे और अपना स्टेटमेंट जहाँ पर भी आपने रखा हुआ है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपका पीडीएफ फाइल में स्टेटमेंट में पासवर्ड रहेगा तो उसी पासवर्ड को यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपको अगस्त 2022 के बाद से आज तक आपको स्टेटमेंट देना होगा। तो चलिए हम फिर से यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर देखिए और क्लिक हियर टू फिनिश लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फाइल जो है प्रोसेस हो जाएगा।
इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट आपने दिया था वो सब कुछ वेरीफाई करेंगे वो लोग, ऐसे ही नहीं दे देंगे लोन। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको लोन दे सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या कौन सा स्क्रीन आता है। हाँ, इसके बाद कोई और पेज नहीं आया, वहाँ पर एक पेज था कि प्लीज़ वेट फॉर सम डेज, मतलब कि आपको कुछ देर वेट करना है। ऑटोमेटिकली ही जैसे ही बैंक आवर खोलेगा तो आपको कॉल किया जाएगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको लोन लेने का प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको लोन मिल सकता है या फिर नहीं। सो इस तरह से अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में लोन के लिए यानी कि पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और हाँ, अभी तक आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हैं।